ऑल राइट, वेल वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इसका म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम खेलने वाले हैं टेमिनोलॉजी। आई जस्ट गो अहेड एंड रीड द डिस्क्रिप्शन। भाई बहुत तेज साउंड है इस गेम का। ओके, सो लेट्स चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गेम। गेम है किस चीज़ का? तो डेमोनोलॉजी इज अ शॉर्ट सरियल हॉरर गेम इंस्पायर्ड बाय द स्कॉटिश विच ट्रायल्स। यू प्ले द रोल ऑफ अ विच फाइंडर इन्वेस्टिगेटिंग अ स्मॉल विलेज, स्पीक टू द लोकल्स, सिफ्ट देयर ट्रुथ्स फ्रॉम देयर लाइज और फाइंड अदर वेज टू विदड्रॉ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। तो बेसिकली हम एक विच फाइंडर हैं और हमें नॉर्मल गाँव में और एक छोटे से गाँव में लोगों से बात करके उनसे झूठ या सच निकलवाना है, इन्वेस्टिगेशन करके कि विच कहाँ है और उसकी डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, on the fifth morning someone will hang, make sure you know who the witch is by then। पांचवे दिन सुबह के एक बंदा उसे फांसी दी जाएगी, तो हमें पता लगा रहे हैं कि उनमें से विच कौन है उस फांसी से पहले। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बट आई डोंट नो हाउ इट विल गो, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। म्यूजिक इसका एक्सट्रीमली लाउड है। स्टार्ट करते हैं गेम को। Thou shalt not suffer a witch to live. Okay. Tis a brow, bright, moonlit, knit for hunting witches. Step forth from murky shadows and cast bright rays upon these festering roots of evil that do garret our noble lands. For you are the bluff and the scythe and the fork that shall upturn these furry devils, these witches। So basically इसमें ऐसा बताया गया कि मतलब हमें ऐसे लेक्चर दे रहे हैं कि तुम ही हो जो इविल चीज़ों को हटाओगे, तुम ही हो ब्राइट लाइट लेके आओगे और इविल चीज़ों को दूर करोगे, विचेस को दूर करोगे, दीज विचेस। ओके, टेक क्वाइट चैटन विद दीज ऑल ऑफ देयर एंड सिप देयर ट्रूथ्स फ्रॉम देयर लाइज। इफ देयर सिंपल टंग्स आर जस्ट रिपीटिंग देन you have my blessing, they employ further mechanisms of persuasion, delusion। Okay, so old English यहाँ पर use की गई है जिससे मैं कुछ ज़्यादा familiar नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत मुझे पता है word, तो मैं समझ पाता हूँ। भाई ये game की volume क्या कह रही है? तो मुझे game की setting यहाँ पर, इस game में setting भी नहीं है, तो मैं आवाज़ इसकी ज़्यादा कम तेज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे OBS के थ्रू रिकॉर्डिंग के थ्रू करनी पड़ रही है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। ऑन द फिफ्थ डॉन अ विच विल हैंग, बेस्ट चूज शॉर्टली और योर ओन कपल्स मे बी टेंटेड। तो पांचवी सुबह जब सूरज निकलने से पहले एक चुड़ैल को फांसी दी जाएगी, तो तुम्हें सही चूज़ करना है बंदा कौन होगा, वरना तुम्हारे डिसीजन का मजाक उड़ाया जाएगा। अ पार्टिंग वर्ड ऑफ एडवाइस, तुम्हें एक एडवाइस देना चाहेंगे जाने से पहले। योर ड्रीमिंग माइंड मे हिंट ट्रूथ्स हिडन टाय दे वॉकिंग सेल्फ ऑल द क्रिप्टिक द आंसर ये सीख मे लाई देयर। ओके, तो तुम्हारे सपने वाले दिमाग में ही तुम्हारा तुम्हें मतलब जो तुम सोचते हो अपने दिमाग में, जहाँ तुम्हें सच नहीं मिल रहा वहीं पर होगा, और जो जवाब होंगे थोड़े पजल वाले होंगे, तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा उनमें से झूठ या सच क्या है। तो लेफ्ट क्लिक से इंटरेक्ट करना है और राइट क्लिक से मैप रिटर्न करना है। गेम का साउंड इतना ज़्यादा है मैं बता नहीं सकता, मुझे अपना एक हेडसेट निकालना पड़ गया। सो होपफुली मेरी आवाज़ इस रिकॉर्डिंग में सही से आए। ओके, डे ज़ीरो, टाइम डॉन। ओके, बॉथवेल्स क्रॉसिंग। अच्छा, ये बॉथवेल्स क्रॉसिंग है और ये है शेफर्ड्स अबोर्ड, ये फांसी वाला एरिया है। ये है स्मिथ अबोर्ड। अच्छा, घर इन लोगों के ओल्ड कर्क, जिसका मतलब है ओल्ड चर्च आई थिंक, रिंग ऑफ स्टेन्स एंड एज द वुड्स। तो क्रॉसिंग पे जाते हैं हम। यहाँ पे एक आदमी है। ओ, बहुत अजीब सा है इसकी कंट्रोल्स। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा देता हूँ, हल्की सी। अगर कोई बंदा यहाँ पे से बात करते हैं बुढ़े से, स्पीक या फिर टॉर्चर, इसका मुझे पता नहीं है, तो लेट्स स्पीक टू हिम। ए मी विच है यार, ये ओल्ड इंग्लिश क्यों यूज़ कर रहे हैं सब, मैं विच हूँ। नाउ बट टॉल टेली टेल्स ये टेफ्ट
वी जीलैंड है फाइन जी ने विचेज हेयर जस्ट सिंपल फोक वर्क इन द लैंड। कह रहे हैं यहाँ पे कोई विचेज नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बस नॉर्मल आदमी है जो अपना काम से काम रख रहे हैं। ओके तो इस बंदे ने मुझे ज़्यादा बताया नहीं, इससे मैं दोबारा एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ, मे बी इसमें डायलॉग अलग हो। आई कैन हार्डली कन्फेस जे समथिंग आई एंट, मैं हार्डली कन्फेस कर सकता हूँ किसी चीज़ को जो मैंने कराई नहीं। कम ऑन नाउ, आई फिक्स अस सम नाइस ट्राउट और टूना फ्लैश फॉर सपर। कह रहा कम ऑन, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। बेसिकली ये बोला था वो, शेफर्ड्स के एरिया में जाते हैं शेफर्ड। यहाँ पे भेड़ पड़े हैं कुछ मरे हुए, यहाँ पे लाशें पड़ी हैं एंड यहाँ पे एक फार्म लेडी है। स्पीक टू हर, आफ्टरनून हो गया बाय द वे। विच फाइंडर, यू सी द कर्स दैट हैज बीन लेड अपॉन मी दैट वाइल्ड ब्लैक स्मिथ सेंट हिज वुल्फ फैमिलियर द स्लॉटर माय शीप। तुम्हें पता है वो ब्लैक स्मिथ जो काम करता है उसने अपने भेड़िए भेजे थे मेरे भेड़ियों मेरे शीप्स को मारने के लिए और उन्हें फाड़ के रख दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, आई डिमांड रेट्रीब्यूशन। ओके डस्क हो गया है, सूरज ढल रहा है तो मुझे जल्दी से कहीं और जाना चाहिए। स्मिथ स्मिथ का है शायद ये, स्मिथ का एरिया। ओके हाँ ये रहा। राइट लेट्स स्पीक टू द स्मिथ। पहला दिन है बाय द वे ये, तो इससे बात करते हैं। ए इट वॉज मी दैट सेंट फॉर यू, दैट डैम शेफर्ड हैज कर्स्ड। ओके मैं था जिसने तुम्हें बुलाया था, वो शेफर्ड वो कर्स्ड है। माय जॉट इफ फेल लूज दो आई स्ट्रैप्ड एंड वेल्डेड इट बैक ऑन। मेरा जबड़ा टूट के गिर गया था, मैंने उसे वेल्ड करके दोबारा लगा दिया है। क्या मेक श्योर टू गिव दैट कर्सिंग विच द शॉर्ट ड्रॉप। राइट क्लिक टू वेक अप। अच्छा मैं सपने में भी अपने कैरेक्टर्स को चला सकता हूँ, ये क्या है सपना मेरा अजीब सा, जंगल में एक मॉन्स्टर दिख रहे हैं। वेक अप, लेट्स वेक अप। ओके पहला दिन, तो एज ऑफ द वुड्स जाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये क्या है, कोई औरत खड़ी है यहाँ पे बूढ़ी। व्हाट काइंड ऑफ गॉप शाइट आई ये, आर ये टू बी ट्रेसपासिंग इन माई वुड्स। किस तरह के गॉप शेट हो जो तुम मेरे जंगलों में ट्रेसपासिंग कर रहे हो। आई दिस विलेज इज फुल ऑफ विचेस एंड आई विल कर्स यू एंड ऑल। ये गांव चुड़ैलों से भरा पड़ा और मैं तुझे शराब दे दूंगी। अ कर्स ऑफ बॉयल्स एंड योर फिल्थी मेंबर एंड मैगट्स ऑन योर। ओके गंदी बातें कर रही है ये, तुम्हारी बॉडी और कूलों पे कीड़े और दाने फैला दूंगी। ऑल राइट ये बुढ़िया तो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लग रही है बात करने में, तो हम चर्च में जाते हैं, ओल्ड चर्च। मिड डे हो गया बाय द वे और पादरी से बात करते हैं। होपफुली इस गेम की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं। स्पीक बीडी वेलकम विच फाइंडर, आई होप यू अप्रूव द ईवल दैट प्लेग्स दिस लैंड। आई हैव सीन दैट फिल्थी हूर बाय द बिंगो स्टेन्स रिंगो स्टेन्स डांसिंग विद ब्लैक शैडोज ऑफ नाइट। यार ये गेम की आवाज़ कैसी है, रैंडमली ऊपर नीचे। ओके कह रहा मैंने चुड़ैल को देखा था, वो रिंगो स्टेन्स जो कि जगह है एक मैप पे हमारे, वहाँ पे एक ब्लैक शेडोज में ब्लैक शेडोज के साथ रात में नाचती है। ओके इंटरेस्टिंग, तो मे बी हमें उधर चलना चाहिए सपोज। हम स्मिथ से बात कर चुके हैं बहुत, तो ओके तो रिंगो स्टेन्स जाते हैं। तो मेरे पास 5 दिन हैं डिड्यूस करने के लिए कौन चुड़ैल हो सकता है, ये बंदी बैठी है। अच्छा इससे बात करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश कल्चर में और बहुत अमेरिकन और यूके कल्चर में भी ऐसा था कि लोग, आई थिंक इंडिया में भी था, सभी जगह ही था ये चीज़ें। पुराने ज़माने में लोगों को अंधविश्वास बहुत था ये भूतों और चुड़ैलों से, तो लोग जिनसे नफरत करते थे या जो पिछली जाति के लोग होते थे जो छोटे एरिए में से आते थे उन लोगों पर नकली आरोप लगा दिया करते थे कि हाँ भाई ये चुड़ैल है इसको जला दिया जाए, और एक्चुअल में उसकी बलि दी जाती थी। होपफुली ये चीज़ अब नहीं होती जहाँ तक मैं जानता हूँ। आई थिंक इंडिया के काफ़ी सारे गांव हैं जहाँ लोग जाते नहीं हैं, जो ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है या सिविलाइज नहीं है, काफ़ी सारे यू नो रूरल एरियाज हैं, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें अभी भी होती हैं। स्कॉट
स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यूएस वगैरह का मुझे पता नहीं। तो ये भी हो सकता है कि ये जो चुड़ैल अभी बैठी है रिंग में और ये औरत जिससे मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ, इसे गलती से इन लोगों ने फंसाया हो कि हाँ चुड़ैल ये और रियल चुड़ैल कोई और हो, जैसे कि रियल में हुआ करता था। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, स्पीक और टॉर्चर। मैं अभी किसी को टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, मुझे सबकी बातें सुननी है। तो ये बोलती है, माई ये आर द चार्मिंग डेविल लाइक वट एल्स ये सर। ओके, देर इज नॉट माई हर्ब्स एंड रूट्स कांट क्योर टॉट बाय माई ओन डियर मदर। तो कह रही है इतने इतने खतरनाक, और जो कह रही है इतने हैंडसम से बंदे कौन आ गया, आपकी कोई ऐसी कोई बीमारी या फिर कोई कोई भी बीमारी जो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा क्या हो गया मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो मेरे जड़ी बूटियों से मैं आपकी मदद ना कर पाऊँ और क्योर ना कर पाऊँ, मेरी माँ ने ही सिखाई है ये सारी चीज़ें मुझे। ओके, तो डस्क हो गया है, मैं इससे दोबारा बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये इतनी अच्छी क्यों है। माई मदर इज़ गॉन बट आई कैरी ऑन हर हीलिंग आर्ट्स इन हर स्टेड। देर इज़ नाई सोल हेयर हु हैज़ नॉट टेकन माई हीलिंग एक्सेप्ट पर हैप्स द प्रीस्ट हु डस की कैट मी विद स्ट्रेंज लेंसेज। तो एक दूसरे के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ये कह रही है कि यहाँ पे इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरी जड़ी बूटियों का यूज़ करा हो और उसे फ़ायदा ना हुआ हो प्रीस्ट के अलावा। वो बंदा तो मुझे घूरता रहता है और अजीब सी निगाहों से देखता रहता है। आई नो ही डज़ नॉट अप्रूव ऑफ माई यंग लव। वो मेरे जवान प्यार को अप्रूव नहीं करता, मतलब आई थिंक इसका कोई लवर होगा जिसे वो अप्रूव नहीं करता है। तो दूसरी रात हो गई है और अजीब से सपने आ रहे हैं मुझे। आई गेस आई नीड टू वेक अप। मैं शेफर्ड के पास जाता हूँ, यानी फार्म वाली लेडी से बात करते हैं एक बार। ओके, वाई डू यू टेरी हेयर वाइल दैट ब्लैक स्मिथ इज स्टिल ब्रीदिंग। आई स्पाइड हिम यैपिंग टेस फैमिलियर्स अ स्लैक जॉर्ड रेवन एंड अ वोल्फ। मैंने उसे देखा था कुछ जासूसी करते हुए और अपने जैसे लोगों से बात करते हुए, एक टूटे हुए जबड़े वाला कौवा और एक भेड़िया। उसने भेड़िया भेजा था मेरे शीप को फाड़ने के लिए क्योंकि मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। फॉर दिस फीबल डिजास्टर ऑन अ फेंस ही इरेक्टेड। ओके, तो फेंस भी उसने तोड़वा दिया था इस औरत का। तो आई गेस स्मिथ के पास चलते हैं, स्मिथ के क्या कहना है। मुझे लग रहा है ये बंदा जो क्रॉसिंग पे बैठा है ना नदी के पास, वो भी हो सकता है। लेकिन इस बंदे ने तो मुझे बुलाया था यहाँ पे, तो उसने कुछ करा होगा। इसका मूड डरावना लग रहा है। बट शेफर्ड कर ओके, ये बोलता है, द शेफर्ड कर्स्ड मी फॉर शी सेज द फेंस आई बिल्ट हर वॉज नो गुड। शी ब्लेम्स मी फॉर द वुल्फ्स दैट कॉट हर शीप। अच्छा, वो कह रही थी कि उसी ने वो बनाया था, ये ऊपर से फेंस वगैरह बनाए थे और तोड़वा के अपने भेड़ियों से मरवा दिया। तो ये कह रहा है कि ये शेफर्ड की जो बुढ़िया है, शेफर्ड जो है यानी जो फार्म वाली लेडी है, वो कह रही है मुझ पर इल्ज़ाम लगा के कि मैंने उसका फेंस तोड़वाया और भेड़िए भेजे हैं, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। और फैंस बिल्कुल सही है, उसने अपना बस गेट खुला छोड़ दिया था और उसकी वजह से श्राप उसके भेड़ियों पे गया और मेरा जबड़ा भी टूट गया। क्या चल रहा है भाई कान में ओके, मैं एक बार क्रॉसिंग वाले बंदे से मिलना चाहूँगा जो कह रहा था हमें खाना बना के देगा, छोड़ो ये सब। मुझे लग रहा है इसकी भी कुछ दिक्कत हो सकती है, ऐसे इतना शांत क्यों है और कहता है जाओ जाओ जाने दो। मतलब एक बार इससे बात करते हैं। आर यू स्टिल एट द विच बिजनेस? हाँ, क्या तुम अभी भी विच बिजनेस में लगे पड़े हुए? हाँ। आई कैन हार्डली कन्फेस टू समथिंग आई एंड, मैं किसी भी चीज़ को मानूंगा नहीं जो मैंने करी नहीं है। चलो मैं तुम्हें कुछ एक बढ़िया सा खाना बनाता हूँ और मछली का सूप पिलाता हूँ। एक बार और बात करना चाहूँगा मैं, प्लीज़। इसके डायलॉग क्योंकि चेंज नहीं हो रहे। ओके, नहीं बोल रहा है कुछ। रात हो गई है तो जब जब मैं कोई डायलॉग, ओके ये तो ब्लैक स्मिथ की है जगह, तो ब्लैक स्मिथ का एरिया है। हाँ ये रहा, क्या ये तो नहीं है? ये कई लोगों की मतलब चीज़ें दिखा रहा है सपने में ना, वो कई बार मुझे जंगल भी आया है और फिर ब्लैक स्मिथ का एरिया भी आया है। और शुरू में आई थिंक वो भी आया था मुझे शीप वाला एरिया। तो सपनों में मुझे पता नहीं चल रहा है मैं किसको कहना। 5वें दिन से पहले वैसे मुझे सही बंदे को ढूंढना है, 3रा दिन हो गया है ऑलरेडी। कर्स या फिल्थी एफ मे या आइस बर्स वी एंड्स।
कह रहा है पहाड़ में जा तू और तेरी आंखों से शराब देती हूँ कीड़े निकले, एंड अ कर्स ऑन दैट प्रीस्ट। ही प्रेज पॉइंटिंग हिज हैंड्स डाउन, और उस प्रीस्ट को भी श्रापित करना चाहूँगी मैं। वो अपने प्रेस अपनी दुआएं करता है हाथ नीचे फैला के, हाथ नीचे करके उल्टे करके, जैसे किसी शैतान लूसीफर को नीचे से पूज रहा हो। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। तो ओके, ये क्रॉसिंग वाला बंदा तो कुछ बताएगा नहीं मुझे। ये वाली कल्ट वाली है जो कि करिए कि जड़ी बूटियाँ बनाती है। स्मिथ के पास भी कुछ नहीं है। मैंने सबको ट्राई कर लिया आई गेस। ओल्ड चर्च का पादरी ही रह गया है, थोड़ा सा उससे मैं बात कर सकता हूँ आई सपोज। ओके बोल भाई। डू नॉट टेस्ट मी विच फाइंडर, आई एम अ मैन ऑफ द क्लोथ। कह रहा है मुझे मत ओ विच फाइंडर, ओ विच को ढूंढने वाले मुझे टेस्ट मत कर, मैं आदमी हूँ अपने कपड़ों वाला, यानी प्रीस्ट हूँ मैं, भगवान का आदमी हूँ, ये बोल रहा है। दैट हूर बाय द रिंगो स्टेन्स इज द विच, फॉर शी हैज़ स्लेन 3 बेब्स नो लेस। वो जो जंगल के किनारे पे रहती है औरत, वही है चुड़ैल, उसने 3 बच्चों को मारा है, कम नहीं उनमें से। ओके आफ्टरनून हो गया है और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे वो ओके मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो बंदी है उसने कुछ करा होगा। स्मिथ वाले पे मुझे उसके लुक्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ गलत भी हो सकती है। वो बंदा दिख रहा है ऐसा, क्या पता वो ऐसा हो ही ना। एंड अगर मैं शेफर्ड की बात करूँ, यानी जो फार्म वाली लेडी है, तो वो तो अपने भेड़िए मारेगी नहीं, इसका जबड़ा टूट गया है। तो ये दोनों तो क्लियर लगते हैं मुझे। चर्च वाले और एज ऑफ द वुड्स वाली और ये क्रॉसिंग वाले, इस पे से इसमें इन 3 में से मुझे ऐसा लगता है कोई एक ना एक है। बट फांसी चढ़ने से पहले मुझे पता लगाना है कौन होगा उनमें से। एंड मुझे जनरली समझ नहीं आ रहा किसके पास टॉर्चर करने का ऑप्शन भी है। वैसे मुझे टॉर्चर करने से होता होगा क्या, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। इसे ट्राई करके देखता हूँ, ये बंदा मुझे कुछ बता नहीं रहा है। लेट्स सी, शायद इनसे मारपीट करके। ओके, टॉर्चर मेथड 1, द डेविल मार्क, टू सील देयर फिल्थी पैक्ट विद द डेविल। एक सेकेंड, मैं वॉइस बढ़ा देता हूँ। टू सील देयर फिल्थी पैक्ट विद द डेविल ही लिक्स देयर बॉडी लीविंग अ ब्लैक एंड मार्क अपॉन द विचेज स्किन। दिस मार्क मे हाइड जस्ट बिलो द सर्फेस बट इट कैन बी अनवील्ड विद द प्रिकिंग ऑफ द स्किन। अच्छा, तो टॉर्चर करने के काफ़ी तरीके हैं। मेथड नंबर 1 है डेविल का, मतलब शैतान का निशान। टू सील देयर फिल्थी पैक्ट विद द डेविल ही लिक्स देयर बॉडी लीविंग अ ब्लैक एंड मार्क अपॉन द विचेज स्किन। द मार्क मे हाइड जस्ट बिलो द सर्फेस बट इट कैन बी अनवील्ड विद द प्रिकिंग ऑफ द स्किन, पियर्स देम अंटिल यू फाइंड द मार्क। व्हाट, अच्छा मुझे इन्हें नोचना है जब तक चुड़ैलों का निशान नहीं मिल रहा। व्हाट, क्या चीज़ है भाई ये, टॉर्चर कर रहा हूँ मैं इसे। ओ ये रहा, मुझे लग ही रहा था, इस पर डाउट था मुझे 100%। फिर राइट क्लिक, लगता है मुझे मिल गया है वो बंदा। ओके बहुत वेल्स, मुझे इसे फिर से टॉर्चर करना है, जो कि इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, बट लेट्स टॉक टू हिम। कैन यू सी द परस्यूट इज इन फॉली, फाइंड ये नी विचेज हेयर और एनी वेयर फॉर दैट मैटर। कह रहा कोई चुड़ैल मिली तुझे यहाँ पे, फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, यहाँ पे कोई टेंशन मत है भाई। बट यार मैंने इसकी पिछली बार नोचा था तो इसकी बॉडी में निशान सा पड़ गया था एक, तो मैं इसे टॉर्चर एक बार और करना चाहता हूँ, क्योंकि अगले day 5 पे मुझे एक विच भी सिलेक्ट करनी है। तो द मार्क में हाइट जस्ट बिलो द सर्फेस कैन बी अनवील इन विद द प्रिकिंग ऑफ द स्किन। ओके तो सेम थिंग मुझे करनी है, आई थिंक लास्ट टाइम यहाँ पे था ये। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, आ तो रहा है इसके बार बार, बट शिट आई डोंट नो मैन, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। एज ऑफ द वुड्स और ओल्ड चर्च, यार वो बुढ़िया,
पेड़ों के पास क्यों रहती है, और वो कह रही है कि ये लूसीफर को पूछता है प्रीस्ट। ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह में भी देखा है कि प्रीस्ट ही होते हैं, मतलब उल्टे से हो जाते हैं। इस पे मुझे आई थिंक शक है, तो मैं बात करके इससे देखता हूँ एक बार। ओके, वो एक ही चीज़ रिप्लाई कर रहा है। शिट, सो हमारा दिन ख़त्म हो गया। हु इज़ द विच? लेफ्ट क्लिक टू सेलेक्ट, राइट क्लिक टू कन्फर्म। अच्छा, मुझे लगता है कि ये वाला बंदा जो कि क्रॉसिंग पे बैठा है, ये है विच। आई कुड बी रॉन्ग, बट लेट्स डू इट। लेफ्ट क्लिक टू कन्फर्म, राइट क्लिक टू कन्फर्म इट। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट करा है वही बंदा जो बाहर खड़ा रहता है। मुझे लग रहा है गलत डिसीजन ले लिया है मैंने। मैं हमेशा यही करता हूँ यार, शिट। क्या करा मैंने? कुछ बता भी तो नहीं रहा है गेम, बस साउंड आ रहा है अजीब सा। हेलो हेलो, मार दिया आई थिंक। अरे हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन विच फाइंडर ऑन अ जॉब वेल डन। मैंने सही में चुड़ैल ढूंढ ली पहले ट्राई में। वाओ, आई गेस मैं आई एम कट आउट फॉर दिस जॉब। ओके, तो ओके गेम बंद भी हो गया है। वैसे एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। ओके माय बैड, तो गेम एक्चुअली क्विट भी हो गया था रैंडमली, बट एनी हाउ अच्छा गेम था, छोटा गेम था, शॉर्ट गेम था, और मैंने फर्स्ट ट्राई में एक्चुअल में विच को ढूंढ लिया। थोड़ी मेरी शेरलॉक होम्स वाली स्किल्स निकाल के, बिकॉज आई नो आई एम ग्रेट। एनी वे, आई होप यू गाइज लाइक डिट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली। क्योंकि मैंने बहुत सारे गेम निकाल रखे हैं अभी एट द मोमेंट, एज आई से इन ऑल ऑफ माई वीडियोज़। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं टाइम नहीं निकाल पाता गेम्स को खेलने के लिए, बट मैं रीजंस ढूंढ रहा हूँ अब रिसेंटली कि गेम्स मैं ना ही खेलूँ, और जब मैं खेलूँ तो मैं उन्हें डायरेक्टली रिकॉर्ड करूँ चैनल पे। सो यू गाइज कैन ऑल्सो वॉच इट एंड वी कैन बोथ ऑल और एवरी वन कैन हैव अ गुड टाइम। एंड ऑब्वियसली थोड़ा विंटर टाइम भी है, तो थोड़ा कोजी रह के कम्बल में थोड़े हॉरर गेम्स देखने मज़े आते हैं, उस चीज़ की बात ही कुछ और है। एंड या आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।